दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 25 फरवरी 2023 शनिवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इन सभी भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इन भर्ती के फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10वीं 12वीं आईटीआई डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 6 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 25 फरवरी 2023 की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन एयरफोर्स में, भारतीय वायुसेना IAF के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के माध्यम से अग्निवीर की बम्पर भर्ती निकली है। अग्निवीर वायु इंटेक 2/2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 3,500 के लगभग यहाँ पर वैकेंसी जिसमें निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए स्टार्ट होगी 17 मार्च 2023 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 30 मार्च 2023 है और फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 30 मार्च है और एग्जाम की डेट 20 मई 2023 है। सैलरी फर्स्ट ईयर के लिए 30,000 है प्रति माह के लिए, सेकंड ईयर के लिए 33,000, थर्ड ईयर के लिए यहाँ पर 36,500, फोर्थ ईयर के लिए 40,000 रुपये सैलरी है प्रति माह के लिए। 12वीं क्लास पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की एलिजिबिलिटी कंडीशन की डिटेल आप नोटिफिकेशन से ही चेकआउट कर सकते हो। 17.5 से 21 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा है। 250 रुपये ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए फीस है, जो कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। agnipathvayu.cdac.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यंत्र इंडिया लिमिटेड इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री में, भारतीय आयुध निर्माणी के अंतर्गत ये भर्ती है। इस भर्ती का भी डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन करने की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 5,395 वैकेंसीज निकली है। आईटीआई अप्रेंटिस के लिए 3,508 पद है, जबकि नॉन आईटीआई अप्रेंटिस के लिए भी 1,887 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए स्टार्ट होगी 27 फरवरी 2023 से। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 28 मार्च 2023 है। सैलरी यहाँ पर नॉन आईटीआई के लिए 6,000 है, आईटीआई के लिए यहाँ पर 7,000 है। नॉन आईटीआई अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आईटीआई अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास के साथ में आईटीआई से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष यहाँ पर इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस UROBC कैंडिडेट के लिए 200 रुपये है प्लस GST और ST वोमेन, PWD अदर ट्रांसजेंडर के लिए 100 रुपये प्लस GST है। यहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, IMPS, NEFT, UPI, भीम से जमा करा सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से भारत के समस्त राज्यों से मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। yantrindia.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर EO या फिर AO, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर APFC की। टोटल 577 वैकेंसीज निकली है। इसमें यहाँ पर EO या AO पोस्ट के लिए 418 वैकेंसीज है, APFC के लिए 159 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। बात अगर इसकी डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 25 फरवरी 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 17 मार्च 2023 है। सैलरी EO या AO पोस्ट के लिए लेवल 8 के अंतर्गत, जबकि APFC के लिए लेवल 10 के अंतर्गत प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी।
डिग्री धारक कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट आरओ या एओ के लिए मैक्सिमम 30 वर्ष है, एपीएफसी के लिए मैक्सिमम 35 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये है। एससीएसटी पीडब्ल्यूबीडी या वोमेन कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। upsc.gov.in और upsconline.nic.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहां पर इसमें फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है तमिलनाडु पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये भर्ती है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट है, 500 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 मार्च 2023 है। सैलरी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9000 रुपये है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8000 है। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको यहाँ पर जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के होगा, मेरिट के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है AIASL.in, की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इसमें 5 नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM गुजरात के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, लैब टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा मैनेजर, टेक्निकल सुपरवाइजर, और भी पोस्ट है। 154 टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकली है। आवेदन इसके लिए 22 फरवरी से चल रहे हैं, लास्ट डेट 1 मार्च 2023 है। सैलरी आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। 12th बीएससी नर्सिंग डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 और 45 वर्ष आयु सीमा है। फीस भी आप कैटेगरी वाइज नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। गुजरात जॉब लोकेशन है nhm.gujarat.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 6 और लास्ट नंबर की जॉब है, वो निकली है सुंदरगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गेस्ट टीचर, मास्टर बुक कीपर, CRP, बैंक मित्र, प्राणी मित्र के लिए 300 से अधिक वैकेंसीज निकली है। यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई करने की मार्च 2023 में है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 10th-12th डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट और इंटरव्यू से चयन होगा। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। सुंदरगढ़ ओडिशा जॉब लोकेशन है sundargarh.nic.in, की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की, यानी कि 25 फरवरी 2023 शनिवार की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।